कभी किसी प्रोडक्ट के पैकेट को आपने देखा है कभी उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स लिखी रहती है कभी कोई प्रोडक्ट में बहुत ही कम डिटेल्स लिखी रहती है कभी किसी प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं लिखा रहता है बस पैकेट होता है ये सब चीजें क्या होती हैं क्या आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और उसका नाम है लेबलिंग जब भी आप बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ते हैं और उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो उसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ही ये लेबलिंग आता है तो लेबलिंग का मतलब क्या होता है लेबलिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी ब्रांड के लिए आइए इन सब के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मीनिंग क्या होती है तो लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज लेबल इज़ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ प्रोडक्ट नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कंटेंट ऑफ़ द प्रोडक्ट एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑल्सो द जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़ वेट एक्सेट्रा तो लेबलिंग एक प्रकार की एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं पैकेज के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग लेबलिंग का यूज़ करते हैं इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है अबाउट द प्रोडक्ट जैसे कि ब्रांड नेम नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शंस ऑफ यूज़ कस्टमर केयर मोबाइल नंबर्स वेट एक्सेट्रा तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी कस्टमर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं उसको यूज़ करने के लिए तो लेबलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है प्रोडक्ट मिक्स का इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्रांडिंग के बारे में डिस्कस किया था और पैकेजिंग के बारे में डिस्कस किया था और प्रोडक्ट मिक्स का थर्ड जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है लेबलिंग तो लेबलिंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस सबसे पहला जो फंक्शन है वो है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इट हेल्प्स द कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन ईजली आइडेंटिफाई कैडबरी चॉकलेट फ्राम द वेरियस चॉकलेट्स बाय परपल कलर ऑफ इट्स लेबल तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेबलिंग जो काम करता है वो है उसकी कलर और उसकी पहचान बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपना पर्टिकुलर कलर चूज करते हैं और उसी में ही अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा लॉन्च करते हैं जैसे पार्ले जी का येलो पैकेट दूर से लोग पहचान लेते हैं कि ये पार्ले जी का बिस्किट है येलो कलर का पैकेट देखकर और ग्रीन कलर का लेबल देखकर, ऐसे ही रेड लेबल टी में रेड बॉक्स देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये रेड लेबल टी का बॉक्स है कैडबरी चॉकलेट का पर्पल कलर का पैकेट देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये कैडबरी चॉकलेट है तो ऐसे ही बहुत सारी पहचान है जो कस्टमर्स दूर से देख समझ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लेबल है सेकेंड है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कॉन्टेंट्स तो लेबलिंग का यूज़ मैन्युफैक्चरर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इससे मैन्युफैक्चरर्स अपनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं क्योंकि आजकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुँचाएँ क्योंकि धीरे धीरे कस्टमर्स बहुत अवेयर हो गए हैं और वो हर चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के बाद समझने के बाद ही उसका यूज़ करते हैं थर्ड है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ लेबल प्रोडक्ट्स कैन बी ग्रेडिड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन क्वालिटी नेचर एसेट्रा फॉर एग्जाम्पल ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल ब्रुक बॉन्ड येलो लेबल ब्रुक बॉन्ड ग्रीन लेबल लेबलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि अगर आप अपने ही ब्रांड नेम के अंदर कई डिफरेंट प्रकार की कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं पर्टिकुलर ब्रांड नेम में तो वहां पर आपको डिफ्रेंशिएट करने में भी लेबलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है कि जैसे आप अगर ब्रुक बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं ये बहुत ही फेमस ब्रांड है टी मैन्युफैक्चरिंग का तो ब्रुक बॉन्ड भी कई ग्रेड में अपनी टी को प्रोड्यूस करती है और कस्टमर्स तक पहुंचाती है जिसमें से फेमस है आपका ब्रुक बॉन्ड का रेड लेबल टी ब्रुक बॉन्ड का येलो लेबल टी और ब्रुक बॉन्ड का ग्रीन लेबल टी तो ब्रुक बॉन्ड में ही अपने प्रोडक्ट्स को ग्रेड करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में लेबलिंग का यूज किया जाता है फोर्थ है आपका हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइड द कस्टमर्स एंड इंड्यूस देम टू बाय द प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल फोर्टी परसेंट एक्स्ट्रा फ्री मैंशंड ऑन द डिटर्जेंट बाय टू गेट वन फ्री एसेट्रा विल श्योरली अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट तो एक अच्छा लेबल अगर आप क्रिएट करते हैं डिजाइन करते हैं तो निश्चित ही उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं हमेशा आई कैचिंग लेबल्स बनाना चाहिए ताकि कस्टमर्स को दूर से वो चीज़ें समझ में आ जाए आज कल बहुत सारे प्रमोशन टेक्नीस में लेबलिंग का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है आप अक्सर पैकेट्स में देखते हैं कि बाय टू गेट वन फ्री या फोर्टी परसेंट एक्स्ट्रा तो ऐसे ऑफर्स को वो लोग अच्छे से हाईलाइट करते हैं पैकेजिंग के ऊपर ताकि कस्टमर्स उसको आसानी से समझ लें और उसको परचेज करें तो इस तरीके से लेबलिंग का सही तरीके से यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं Next step provides information required by the law. There is a legal compulsion to print batch number, content, maximum retail price, MRP, weight, volume of all the products, statutory warning on the packet of cigarettes. Smoking is injurious to health. In case of hazard or poisonous material. अप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग शुड बी पुट तो कस्टमर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स में कंपल्सन रखी गई है जो आपको अपने प्रोडक्ट में प्रिंट करना ही पड़ता है अगर आप प्रिंट नहीं करते हैं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है तो ऐसे केस में आपको लीगल कम्पलजन भी होता है कि आप प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ों को निश्चित ही शो करें कस्टमर्स तक खासकर कि की बैच नंबर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ एक्सपायरी वेट ऑफ द प्रोडक्ट मैक्सिमम रिटेल प्राइस एम और अगर प्रोडक्ट में कोई खास फीचर है या कोई खास वार्निंग है यूज़ के रिगार्डिंग जैसे कि आप सिगरेट के पैकेट में देखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ या अगर आप कोई केमिकल या पॉइजनस चीज़ को भेज रहे हैं कस्टमर्स तक तो निश्चित ही उसकी यूसेज वार्निंग और उसमें आपको ये बताना जरूरी है कि ये पॉइजनस है अगर इसको कोई धोखे से यूज़ कर लेता है तो उससे उसको हेल्थ हजार्ड हो सकता है तो ये है आपका लेबलिंग और उसके फंक्शंस तो निश्चित ही आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी हद तक मदद मिल जाए हमारा चैनल मिशन कॉमर्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें तब तक के लिए थैंक यू